ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे चिलूलाल, जस्ट लुक एट दिस रिवर मैन। शाम का 5 बजे और आप मौसम देखो, अंधेरा हो गया भाई, हम तो डिनर लंच करने जा रहे हैं। क्या ही रोड और क्या ही नजारे। देखो आज नहीं तो कल हर कोई कभी ना कभी ये समझ ही जाता है कि काम वो करना है जिससे खुद को खुशी मिले, ना कि दूसरों को। बस सवाल ये है कि जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुनिया सब छलावा है और यहाँ सच से ज़्यादा दिखावा है। तो 35 घंटे की राइडिंग और 12 घंटे की नींद के बाद जब आँख खुली तो बदन में दर्द तो था, पर फिर भी चेहरे पे मुस्कान आ गई, क्योंकि पता था कि अगले बहुत सारे दिनों में अब क्या होने वाला है। गुवाहाटी ने हमारा स्वागत पूरे दिन बारिश से किया और हमने भी सिर्फ 2 ही काम किए, वीडियो एडिटिंग और नींद, टेस्टी खाना और फिर से नींद। और फिर अगले दिन हम फिर से तैयार थे एक और शानदार सफर के लिए। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मुझे लगा तेल कहीं से कुछ आ गया है। ऊपर जो मिट्टी पड़ी है ना, उससे आग निकल रही है। ये देखो एग्जॉस्ट के ऊपर जो मिट्टी है कुछ गल रही है, धुआं बन के निकल रहा है। कैसे कैसे धुआं निकल रहा है और यहाँ से ऊपर से आ रहा है धुआं। भैया अलग ही चीज है बबलू भैया, कहीं कहीं से धुआं निकाल देती है। जब सर्विस में जाती तो हमारा धुआं निकाल। तो भाई पिछले 2 दिनों से गुवाहाटी का जो माहौल है वो ऐसा है कि बस बारिश ही हो जा रही है। तो वैसे तो हमारा प्लान था कि हम थोड़ा सा गुवाहाटी और आसपास घूमेंगे, बट अभी हमने प्लान में थोड़ा सा चेंज किया है। अभी क्या करेंगे, अपन सीधा चलेंगे मस्त जगह अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ पर तो इतनी सारी जगह हैं कि अगले 10 दिन हमारे वहीं निकलने वाले हैं। तवांग है, सेला पास है, बहुत सारी जगह हैं। तो अभी क्या है, बस रेडी होकर निकलते हैं, फिर वापसी में भी आएंगे दोबारा। आसाम तो बहुत बार आना है अभी पूरी राइड में, तो घूमेंगे आराम से पूरा मस्त, आपको दिखाएंगे। क्यों चंदन भाई, चला जाए, निकला जाए। टाइम हो गया है एग्जैक्ट 9:05 और कोशिश रहेगी कि 9:30 तक हम लोग जो है निकल जाए। तो भाई ये कुछ हमारा रूम है जो कि हमने लिया था गुवाहाटी में। होटल का नाम है होटल रॉयल हेरिटेज और इसका जो प्राइस पड़ा वो हमें पड़ा 2500 रुपये एक रूम का फॉर 1 day 1 night एंड ब्रेकफास्ट उसी में इंक्लूडेड है। तो ठीक ठाक रूम है, अगर कोई आ रहा है तो रह सकता है, मतलब बढ़िया है, ठीक है। बाकी सामान पूरा रेडी है, बस बाइक पर लोड करना है। तो पहले हमने बाइक को चेन ट्यूब का नाश्ता कराया और फिर खुद को। आज नाश्ते में है इडली सांभर दूध चाय। चलो बारिश आ जाएगी। आ गई। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुवाहाटी द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हम यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन जब से आए हैं तब से यहाँ ऐसे ही बादल हैं और इतने बादल हाल फिलहाल भाई देखे नहीं, बहुत ही ज्यादा बादल हैं। हमें उल्टी तरफ जाना है, तो अपन एक यू टर्न मारते हैं यहाँ से, यू टर्न। तो इसकी वजह से ना अपन गुवाहाटी शहर आपको कुछ दिखा पाए, बारिश ही हो रही है, ना ड्रोन उड़ा पाए, यार ये सबसे बड़ा दुख हो गया मेरे को, बट कोई ना। बाकी बताओ आप लोग, मौत चल रही है कि नहीं चल रही? पहला ब्लॉग आपको कैसा लगा हमारा नॉन स्टॉप फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी? भाई हालत खराब हो गई थी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, इधर सर्विस लेन में लेना है क्या? और अभी भी मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लो, ठीक है। तो आज का प्लान अब आपको बताते हैं कि अपन चलेंगे अब सीधा अरुणाचल की तरफ, क्योंकि आसाम में अभी मौसम थोड़ा डाइसी सा है। तो अरुणाचल में बहुत सारी जगह घूमने की हैं, तो तेजपुर साइड से अपन एंट्री लेंगे और परमिट भी लेना है हमें अरुणाचल जाने के लिए, आपको परमिट लेना होता है, तो वो अपन ले लेंगे आज। बाकी हमने भी कुछ ऐसा प्लान नहीं बनाया है, बस जहाँ नज़ारे अच्छे दिख गए वहाँ बाइक मुड़ जाएगी। यही है वो गुवाहाटी। लकीली अभी 1-2 घंटे से बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो भाई बुरा हाल था यहाँ पे।
वैसे आपको दिल की बात बताऊं तो मैं जीशान भाई, सीजे भाई और विनय को मिस कर रहा हूं। पिछली बार जीशान भाई, सीजे भाई थे, क्या मज़ा आया था यार नॉर्थ ईस्ट राइड में, कसम से। मैं और चंदन एंजॉय कर रहे हैं, बट ज़्यादा लोग हों तो और मज़ा आता है। बाकी नॉर्थ ईस्ट फुल एंजॉय करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। गुवाहाटी भाई बहुत बड़ा शहर है, मतलब पूरा मेट्रो सिटी है ये आप बोल सकते हो, और मेरे को लगता है आसाम का सबसे बड़ा शहर होगा पॉपुलेशन वाइज। ऑल दो ये कैपिटल नहीं है आसाम की, बट आई थिंक शहर सबसे बड़ा यही है। अगर नहीं है तो बताना आप लोग कमेंट में कौन सा है। फिर होटल से निकलते ही जब आपको बढ़िया पहाड़ दिखने लग जाए ना, तो समझ लो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। देख रहे हो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है गुवाहाटी, वाह वाह वाह। और बगल में बहती है इतनी बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र अपनी, और यहाँ के फ्लाईओवर्स मैंने देखा बहुत बड़े बड़े बनाए हैं यार, ये चीज़ है। रोड तो उतना अच्छा नहीं था पहले दिन जिससे हम आए थे, बट फ्लाईओवर बहुत ही बढ़िया बढ़िया। तो भैया अपनी नॉर्थ ईस्ट राइड के लिए बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। ये देखो यहाँ गुवाहाटी में कोई बहुत ही बड़ा फंक्शन है बच्चों का, पूरे बच्चे यहाँ देखो लाइन लगा के खड़े हैं, है ना, मस्त है। और ये हमें यहाँ से सर्विस लेने को बोल रहा है चंदन, यहाँ तो बंद सा लग रहा है मेरे, ये नीचे उतरने बोल रहा है ना फ्लाईओवर से। ओ भाई इतने बच्चे बहुत दिनों बाद देखे। पहले हम लोग बचपन में 26 जनवरी में ऐसी परेड में जाते थे, मज़ा आता था भाई बहुत ज़्यादा। बच्चे भी खुश हो रहे होंगे हमारी बाइकें देख के, कह रहा हूँ भाई साहब ये कहाँ से बाइकर आए हैं। ये है देखो यहाँ पे, यही रास्ता जो है मेघालय भी जाता है, पिछली बार हम लोग इससे गए थे। और आप विश्वास नहीं करोगे मेघालय यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, अभी नहीं जाएंगे बट जाना तो है, बड़ी बात नहीं है। शिलोंग 80 किलोमीटर दूर है मेघालय, तो और पहले आ जाएगा। ओए कितना छोटा डॉगी घूम रहा है मस्त सा, ये किसने छोड़ दिया अपना, क्या लूप सा है यार कसम से। ब्यूटीफुल, शिलोंग 80, नगाँव 112, दीमापुर 262। तो शिलोंग का रास्ता आगे से कटता है, तो इस अंडरपास से अगर आप राइट ले लोगे तो आप निकल जाओगे मेघालय, हम लोग चलेंगे सीधा इधर, ये है टूवर्ड शिलोंग। शिलोंग इतना अलग सा शहर है ना, मस्त सा बिल्कुल, जिसको बोलते हैं क्या व्यू है भाई। हुई हुई, अब इस रास्ते पर मैं पहली बार आ रहा हूँ जिंदगी में, कभी नहीं आया यहाँ से, मेरे लिए बिल्कुल नया है भाई। अब आप एंजॉय करिए ड्रोन शॉट, 3, 2, 1 एंजॉय। चंदन निकल गया यहाँ आराम से, मेरे को थोड़ा देख के निकलना पड़ता है क्योंकि दो गॉडजिला के अंडे जो मेरे लगे हैं लेफ्ट एंड राइट में। चलो सिग्नल ग्रीन हो गया, अरे भाई 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 भाई, अरे भाई भाई नॉर्थ ईस्ट घुमा दे भाई। ये बारिश की बूंदें हमें क्यों खींचे, स्कूटी वाले भैया मान ना रहे हैं, बिल्कुल रेस मोड पे हैं, नज़ारे शानदार होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं। और जब जगह आपको पता ना हो ना कि आप किस तरह की ट्रेन में जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट व्हेन यू ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस एंड जस्ट लुक एट द व्यू, द ब्यूटी। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है भाई नॉर्थ ईस्ट में, बहुत ज़्यादा मानना पड़ेगा। ये देखो पेड़ ने पूरा रास्ता ही घेर लिया, देख रहे हो कितना सुंदर पेड़ है। एनीवेज हम चले जा रहे हैं, गोलाघाट इज 248 किलोमीटर, तेजपुर इज 147, नगाँव इज 89। भाई आसाम के फ्लाईओवर्स तो लाइक मैजिक, बहुत ही बढ़िया है यार, इतने चौड़े चौड़े फ्लाईओवर्स बनाए हैं ना भाई, फ्यूचर प्लानिंग करके। देसी टपरी में रुकेंगे यार, वहाँ मज़ा आता है। लो भाई छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक चाय पियेंगे, थोड़ा फुटेज वुटेज लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नारियल पानी भी है, नारियल पानी भी पियेंगे गुरु, आ जाओ चंदन। अरे टीलू लाल काटेगा तो नहीं, अरे भाई बहुत ही छोटा पप्पी। कितना छोटा सा सर है इसका, देखो मेरे हाथ से अलग सी ब्रीड है ये। बिस्किट खाओगे, अभी खिलाते हैं तुम्हें। ये देखो यहाँ के नारियल पानी अलग है, थोड़ा पानी कम होता है इसमें बट नारियल ज़्यादा होता है। क्या बात है, तो सही पानी आ जाओ, तुम्हारे लिए इंतजाम करते हैं। आए, आए, इसकी शक्ल देखो, आओ इधर खिलाते हैं, आ जाओ।
इतना इंटरेस्टेड मैंने कभी नहीं देखा। क्रीम क्रीम वाला सब खा गया थी भाई। भाई भूखा है। बहुत भूखा है। सब तुम्हारे पूरे। अब तुम्हारे हवाले बिस्किट खाती हूँ। भाई हमारे वाले जो डॉगी होते हैं उन क्रीम वाले बिस्किट नहीं खाते। भाई कोई नहीं खाते कहीं। कुछ नहीं खाते वो लोग। ये देखो भाई यहाँ कितना नारियल मस्त सा निकल आया। देख रहे हो? यहाँ मतलब पूरा नारियल पानी का नारियल बन गया है इनफैक्ट। बाय बाय डॉगी। बाय बाय। आ जाओ। तो भाई नारियल पानी पी लिया, एक चाय पी ली, बढ़िया थोड़ा रेस्ट कर लिया। एक ये देख के मतलब अभी इतना एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है ना कि और अभी आगे जब जाएंगे अरुणाचल में कैसा व्यू मिलेगा देखने को, दिल खुश हो जाएगा। एक चीज़ हमें पता चल रही है, चंदन और हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि गुवाहाटी के बाद जो रोड है ना वो भाई रोड अच्छी है, क्योंकि अभी देख रहे हो 96 किलोमीटर्स बचे हैं, बकरी हैं चंदन देख, और उसमें सिर्फ हमें 1 घंटा 24 मिनट लगने वाला है और रोड अच्छी है अभी। तो इट मीन्स कि गुवाहाटी तक रोड ऑन ऑफ है, बट उसके बाद रोड पूरी अच्छी है तेजपुर तक। उसके आगे की खबर आप तब देंगे जब हम उसके आगे जाएंगे। आज रोड इतना अच्छा है कि 100 किलोमीटर कब हो गए हमें पता ही नहीं चला, 107 किलोमीटर हमारे पूरे हो गए। भाई 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 भाई। और आज की राइड हमें पिछले जो राइड है हमारी नॉनस्टॉप उसके कंपैरिजन में इतनी छोटी है कि हमें ऐसा लग रहा है कि तो मतलब इतना तो हम चाय के लिए एक ब्रेक पर रुके थे पिछली बार, जितना हमारा राइड ही खत्म हो जाएगा आज का। एनी वेज नो वरीज। नगावन एंड डिब्रूगढ़ लिखा था डिब्रूगढ़। तो भैया ज़्यादा ही तेज़ी में आ गया, बजरी पड़ी थी। 75 बची, 75 मेरी कितनी बची है, 260। भैया जी पेट्रोल भर दीजिए। 1350 रुपए का तेल आ गया 13 लीटर। अब अपन पैक्ड हैं, आज कल परसों 3 दिन पेट्रोल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ भाई कितनी सारी मारुति की गाड़ियां खड़ी, देख रहे हो? बलिनो बलिनो। क्या हाईवेज हैं यार आसाम के, लिटरली भाई मज़ा आ रहा। तो मतलब अगर आप आसाम में गुवाहाटी से तेजपुर की तरफ जा रहे हो तो आपको बहुत सारे खाने के आउटलेट्स मिलेंगे, बहुत सारे पिज़्ज़ा हट, KFC, गोस्टा कॉफ़ी जैसे आउटलेट्स मिलेंगे आपको। स्ट्रेट जाएंगे काजीरंगा, राइट जाएंगे बामुनी गांव, और हमें जाना है गोल चक्कर से स्ट्रेट। यार काजीरंगा भी जाएंगे हम लोग देखने, पता है अरे ब्रेकर थे चंदन अपने बड़े बड़े राइनो देखने, बड़े बड़े राइनो। ये देखो यही रोड जाता है काजीरंगा। अरे गाड़ी उल्टा आ रही है। अरे ये देखो भाई हाथी। क्या सही लग रहा है देख। लो भाई फाइनली हमारा तेजपुर का टर्न आ गया और यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है। हाँ 21 किलोमीटर ही दूर रह गया तेजपुर। ऑलरेडी हमने 160 किलोमीटर बाइक चला ली यार, पता ही नहीं चला। पूरा बेहतरीन हाईवे भाई, बेहतरीन हाईवे इसको बोलते हैं। अगर धूप होगी तो थोड़ी सी गर्मी आपको फील होगी, अगर धूप नहीं ना 29 डिग्री टेम्परेचर पे आप इंजॉय करते चले जाओगे बिल्कुल। तो भाई अभी यहाँ हम रुके थे थंबनेल लेने के लिए कि अच्छा कोई थंबनेल मिल जाए, मेहनत करनी पड़ती है कई बार। अच्छी दो चक्कर लगवा दिए आपने चंदन से, दो चक्कर लगवा दिए मैंने थंबनेल के लिए। रोड देख रहे हो कितनी बढ़िया है, तीन चक्कर लगाया आपने। कोई ना तो चलता रहता है। कॉल आ गई थी वो भी अटेंड कर ली, अब निकलते हैं। चंदन इंतजार करके मजा आ गया।
भाई सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट रह गया है यहाँ से, और हमें यार मेन काम करना है परमिट वाला, और वो पूरा प्रोसीजर आपको भी बता देंगे क्या है क्या नहीं। तेजपुर रह गया है सिर्फ 15 किलोमीटर, और अभी आगे ना फिर से आने वाला है ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रिज, बड़ा सा नदी भी आएगी और ब्रिज भी आएगा, दोनों चीज़ें साथ ही आएंगी। भाई क्या रोड है कसम से यार, देख रहे हो हम क्या ही रोड और क्या ही नज़ारे। यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं है, गुवाहाटी साइड पूरा बारिश का माहौल बन रहा था। जस्ट लुक एट दिस, ओरे बॉय चंदन, जस्ट लुक एट दिस रिवर मैन, भयंकर। ये है भाई साइज ब्रह्मपुत्र नदी का, देख रहे हो आप, बाप रे। यहाँ अगर ड्रोन नहीं उड़ाया तो व्यूअर्स के साथ जाती हो जाएगी, है ना, ये बात है, जाती तो हो जाएगी, जाती हो जाएगी। तो कोलिया भोमरा ब्रिज देख के अपनी कही बात ही याद आ गई कि सच में अगर इंसान चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। ब्रिज है भाई, ड्रोन फुटेज देखा, मैं फुटेज लेते लेते इतना एक्साइटेड हो गया कि मतलब आप क्या ही बताएं, आप तो और खुश हो गए होंगे, ऐसा ब्रिज नहीं देखा। तो वैसे तो हमने आज सोचा था कि हम हो सकता है तेजपुर से आगे भी जाएं, बट अभी हमने डिसाइड किया कि आराम से अब राइड जो है बिल्कुल चिलैक्स करेंगे। 176 किलोमीटर हमने बाइक चला ली, और आज लिटरली पता भी नहीं चला। अच्छा हाईवे हो तो इन सब बाइकों में आपको 200-250 किलोमीटर नहीं पता चलता। तो आज अपन तेजपुर पे ही हॉल्ट लेंगे, और भाई आप लोग बताओ मौज चल रही है नहीं चल रही है। तेजपुर में रुक के आज अपन परमिट लेंगे अरुणाचल का, और फिर उसके बाद कल निकलेंगे सुबह। बहुत ही बढ़िया रोड है, मज़ा आ गया आसाम में आज बाइक चला के, और वो ब्रिज देख के तो मेरे होश उड़ गए। ये है मैकेनिक चंदन की बाइक की चेन जो है थोड़ी सी लूज़ हो गई है, सरप्राइजिंगली इस बार मेरी बाइक की चेन सही है, अभी तक लूज़ नहीं हुई। कट आ गया जी तेजपुर का, यहाँ से सीधा अगर आप जाओगे तो आप निकल जाओगे टूवर्ड्स पता है कहाँ, ये देखो लिखा है ना जमुगुरी, और वहाँ से आप काजीरंगा जा सकते हो। अपन लेकिन लेंगे लेफ्ट लेफ्ट, अब हमें सिंगल लोड मिलेगी चंदन, समझ रहे हो। नहीं नहीं अब आगे अरुणाचल में मैं बोल रहा हूँ, अब सिंगल ही मिलेगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि आरी आज बंद है, संडे है बाय द वे। तो अभी हम आ गए हैं आरी, क्योंकि चंदन की चेन टाइट करानी है बाइक की, एंड इट्स बंद बंद है भाई, ये तो गड़बड़ हो गई जी। भैया ये बंद रहता है क्या आ रही आज रॉयल इनफील्ड? ओ भाई क्या कीचड़ है यार तेजपुर में, यहाँ बन रहा है एक फ्लाईओवर, ठीक है, तो फ्लाईओवर के चक्कर में या जो भी कारण हो भाई, नीचे देख रहे हो पूरा ऐसा है कि पैदल तो कोई चल ही नहीं सकता। लो भाई अभी हम अरुणाचल वाली रोड पे आ गए हैं, भूमिदिला और सेला पास वाली रोड है ये सीधी, तो अभी इस पे नहीं, वो रोड तो नहीं है, ये कनेक्टिंग रोड है, वो रोड आगे है एक्चुअली। ईटानगर यहाँ से 210 किलोमीटर है, जम्मू गिरात 47। तो भाई हमने यहाँ पे अपना रूम ले लिया है होटल नॉर्थ ईस्ट, और जो रूम हमें पड़ा है ये अपनी बाइक के पास कर दी है, 1500 रुपये का रूम पड़ा है, और मैंने उनसे बोल बोल के अपना ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करवा लिया उसी में, 1500 में हमारा रूम भी है और ब्रेकफास्ट भी है। अच्छा होटल यार चंदन, बढ़िया होटल, देखो कितना सही लग रहा है। भाई हमने अभी रूम लिया यहाँ पे तेजपुर में, शाम का 5 बजे और आप मौसम देखो, अंधेरा हो गया भाई, हम तो डिनर लंच करने जा रहे हैं, हम अभी लंच करने जा रहे हैं चंदन, पर अंधेरा हो गया गुरु। भाई अपना लंच आ गया 5:30 बजे, कढ़ाई पनीर, प्याज, नींबू, रोटी, और ये नींबू का साइज देखो जरा बहुत बड़ा है। अरे भैया अरे भैया अरे भैया, मगर धुआं तो आता है ना इसमें आगे से, वो हमारी बाइक में नहीं आता, धुआं आ जाता है।
धुआं आ जाता। त्यार आज अपन तेजपुर पहुंच गए और आज यहाँ रुकने का मेन एम जो था वो ये था कि हम अपना जो अरुणाचल का परमिट है वो ले लें और उसके बाद कल से अरुणाचल में बिल्कुल फुल एंट्री मारेंगे। तो परमिट हमने ले लिया, ऑनलाइन परमिट भी मिल जाता है, ये जो नीचे आप वेबसाइट देख रहे हैं इस पर लॉगिन करके आप आराम से ऑनलाइन परमिट ले सकते हो। अगर आप 3 दिन तक का परमिट लेते हो तो आपको 300 रुपये लगेंगे और अगर आप 14 दिन तक का परमिट लेते हो घूमने का अरुणाचल तो आपको 500 रुपये लगेंगे और ये मैक्सिमम है। 14 दिन से ज़्यादा आप एक घूमे परमिट नहीं ले सकते हो और आप कितनी भी डिस्ट्रिक्ट ले सकते हो, मतलब 14 दिन में आप पूरी डिस्ट्रिक्ट भी घूम सकते हो, एक डिस्ट्रिक्ट भी घूम सकते हो जो आपका मन हो, तो आप भी आराम से ऑनलाइन पास ले सकते हो। आपको 2 सॉफ्ट कॉपीज चाहिए रहेंगी, एक आपकी गवर्नमेंट आईडी की सॉफ्ट कॉपी और एक आपकी फोटो की सॉफ्ट कॉपी, बस काम हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कोई आ रहा हो अरुणाचल घूमने का आपका प्लान हो तो आप मस्त होकर घूम सकते हो, बेफिक्र है ना। तो बस ये ब्लॉग कुछ यही था। ये देखो अपनी बाइकें बिल्कुल पार्क्ड हैं और अभी आपको रूम दिखा देते हैं ऊपर चल के। ये काइंड ऑफ एक सिटिंग प्लेस है। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं दीप भाई रूम वूम का बताते रहा करो, तो इसलिए मैंने बताया। ये जो है नॉर्थ ईस्ट होटल बोल लो या बोल लो कुछ भी बोल लो जो मनो, और ये हमारा जो है रूम है, छोटा सा रूम है, रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर प्राइस के हिसाब से बताएं आपको 1500 रुपये, वो भी इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट, तो उतना नहीं, उस हिसाब से रूम अच्छा है। एसी देखो लगा पड़ा है, तो हमें यहाँ बस एक रात स्टे करना था तो हमने ये ले लिया। बाकी हम लोग एडिटिंग कर रहे थे, चंदन भाई भी एडिटिंग कर रहे हैं अपनी, सब बढ़िया है। तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको नॉर्थ ईस्ट का पहला ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, दूसरा ब्लॉग ये थोड़ा बस हम यहाँ तेजपुर तक ही आए। कल से असली ब्लॉग स्टार्ट होंगे जिसमें हम सेला पास, तवांग, दिरांग, मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया जगह अरुणाचल में घूमेंगे ना अगले 8-10 दिन, क्योंकि अरुणाचल हमारा सबसे मेन टारगेट है कि इस बार अरुणाचल अच्छे से कवर करेंगे ना। कल से असली ब्लॉग स्टार्ट होंगे, स्टे ट्यून्ड। और वीडियो अगर अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ये मेरा इंस्टा पेज अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।